शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। ये किताब कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं कि कलाम खुदा है, खुदा से डरने वालों की रहनुमा है। जो गैब पर ईमान लाते और आदाब के साथ नमाज पढ़ते और जो कुछ हमने उनको अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं, और जो किताब ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले पैगंबरों पर नाजिल हुई, सब पर ईमान लाते और आखिरत का यकीन रखते हैं, यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं और यही नजात पाने वाले हैं। जो लोग काफिर हैं उन्हें तुम नसीहत करो या न करो, उनके लिए बराबर है, वो ईमान नहीं लाने के। खुदा ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा रखी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए बड़ा अजाब तैयार है। और बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम खुदा पर और रोजे आखिरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये अपने पिंडार में खुदा को और मोमिनों को चकमा देते हैं, मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को चकमा नहीं देते और इससे बेखबर हैं। इनके दिलों में कुफ्र का मरज था, खुदा ने उनका मरज और ज्यादा कर दिया और उनके झूठ बोलने के सबब उनको दुख देने वाला अजाब होगा। और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद न डालो तो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। देखो ये बिलाशुबा मुफसिद हैं, लेकिन खबर नहीं रखते। और जब उनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए तुम भी ईमान ले आओ, तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ ईमान ले आए हैं उसी तरह हम भी ईमान ले आए। सुन लो कि यही बेवकूफ हैं लेकिन नहीं जानते। और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, और पैरवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हम हंसी किया करते हैं। इन मुनाफिकों से खुदा हंसी करता है और उन्हें मोहलत दिए जाता है कि शरारत और सरकशी में पड़े बहक रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही खरीदी, तो न तो उनकी तिजारत ही ने कुछ नफा दिया और न वो हिदायत याब ही हुए। उनकी मिसाल उस शख्स किसी है जिसने शबे तारीक में आग जलाई, जब आग ने उसके इर्द गिर्द की चीजें रोशन की तो खुदा ने उन लोगों की रोशनी जायल कर दी और उनको अंधेरों में छोड़ दिया कि कुछ नहीं देखते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि किसी तरह सीधे रास्ते की तरफ लौट ही नहीं सकते। या उनकी मिसाल मेह किसी है कि आसमान से बरस रहा हो और उसमें अंधेरे पर अंधेरा छा रहा हो और बादल गरज रहा हो और बिजली कौंद रही हो, तो ये कड़क से डर कर मौत के खौफ से कानों में उंगलियां दे लें, और खुदा काफिरों को हर तरफ से घेरे हुए है। करीब है कि बिजली की चमक उनकी आंखों की बसारत को उचक ले जाए। जब बिजली चमकती और उन पर रोशनी डालती है तो उसमें चल पड़ते हैं, और जब अंधेरा हो जाता है तो खड़े के खड़े रह जाते हैं। और अगर खुदा चाहता तो उनके कानों की सुनवाई और आंखों की बिनाई दोनों को जायल कर देता। बिलाशुबा खुदा हर चीज पर कादिर है। लोगो, अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम उसके अजाब से बचो, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना और आसमान को छत बनाया और आसमान से मेह बरसाकर तुम्हारे खाने के लिए अनवा व अकसाम के मेवे पैदा किए। बस किसी को खुदा का हमसर न बनाओ और तुम जानते तो हो। और अगर तुमको इस किताब में जो हमने अपने बंदे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई है कुछ शक हो तो इसी तरह की एक सूरत तुम भी बना लाओ, और खुदा के सिवा जो तुम्हारे मददगार हों उनको भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। लेकिन अगर ऐसा न कर सको और हरगिज नहीं कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे और जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए नेमत के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब उन्हें उनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे ये तो वही है जो हमको पहले दिया गया था, और उनको एक दूसरे के हम शक्ल मेवे दिए जाएंगे, और वहां उनके लिए पाक बीवियां होंगी और वो बहिश्तों में हमेशा रहेंगे। खुदा इस बात से आर नहीं करता कि मच्छर या उससे बढ़कर किसी चीज मसलन मक्खी मकड़ी वगैरह की मिसाल बयान फरमाए। जो मोमिन हैं वो यकीन करते हैं कि वो उनके परवरदिगार की तरफ से सच है
اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے، اس سے خدا بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو۔ جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کافرو، تم خدا سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو؟ جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے۔